यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा, गढ़ रोड, मेरठ। मेरठ में तैनात सैन्य अफसर की पत्नी कल बेहद लहूलुहान हालत में अपने हाथ की कटे उंगलियां दिखाते हुए बेहद बेबस नजर आई। विवाहिता बराबर यह आरोप लगा रही थी कि उसकी यह हालत उसके मेजर पति ने की है। दहेज के लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक प्रताड़ना के साथ ही शारीरिक कष्ट भी दिए जा रहे हैं। बीते दिवस भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति ने किस वस्तु से वार किया वह तो नहीं देख पाई, लेकिन उसकी उंगलियां कटकर अलग हो गई। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। मेरठ निवासी सुदेश पाल सिंह परिवार समेत बेंगलुरु में रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी पूजा तोमर की शादी दिसंबर 2014 में आर्मी ऑफिसर से की थी। इस समय वह मेरठ में तैनात है। पिता सुदेश पाल ने यह जानकारी दी। का पहचान का डॉक्टर था, उन्होंने फ़ोन कर दिया कि मैं अपनी बेटी को ले जा रहे हैं 10-12 गुंडे लेकर, जिसमें उसका एक चाचा अर्जुन राठी का छोटा भाई लोकेंद्र राठी और लोकेंद्र राठी का बेटा पूरू राठी, उन सब ने आके यहाँ, मैं अकेला होने की वजह से मेरे साथ में मैंने अपने रिलेटिव्स के यानी अपने साली के बेटों को बुलाया, दो बच्चे में आए भाई, मैं अकेला बेटी को कहीं उठा के भी ले जा नहीं पाऊँगा, तो उनके साथ में गाली गलौज करके हॉस्पिटल के गेट पे उनके मारपीट शुरू कर दी। हम रिपोर्ट करने के लिए FIR दर्ज कराने के लिए सदर थाना गए थे। सदर थाना वाले ने एक महिला कांस्टेबल को साथ में हमारे भेजा कि आप प्यारे लाल में मेडिकल कराइए, लेकिन हम जो डॉक्टर के पास गए उन्होंने बोला कि आपका एक बार ऑपरेशन हो गया, उसने रिपोर्ट बना दी, हम मेडिकल नहीं कर सकते, मेडिकल आपको कराना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, 2-4 दिन लगेंगे, उसमें मेडिकल बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बैठेगा, देन विल डिसाइड के आप को क्या हुआ था आपकी बेटी को। तो हम यहाँ अब प्यारे लाल में निसहाय खड़े हुए हैं, आगे की प्रक्रिया हमारे नॉलेज में कुछ नहीं है। मीडिया वाले हमें मिले तो हम अपना दुख उनके सामने रो रहे हैं। यदि अथॉरिटी मेरी इस गुजार को सुनती है तो मेरी ये गुजारिश है कि मेरी बेटी को संरक्षण दिलाया जाए, न्याय दिलाने की कृपा करें, मैं आपका बड़ा आभारी रहूं। वहीं पूजा तोमर का यह कहना है। मेरे पति मुझसे, मतलब उसकी ये कोशिश रहती कि इस तरह घर से निकल जाए, मेंटली टॉर्चर करता है मुझे, उसके लिए कल भी किया, चप्पलें मारेगा, लाते मारेगा, हर तरह से। मैंने कहा मैं निकलूँगी नहीं यहाँ से, शादी करके आई हूँ, बस निकल जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। फिर आज सुबह भी जगा के, सुबह मैं सो रही थी, बात करनी है, वही करने लगा, चली जाए यहाँ से, हमारी बन नहीं रही, वो नहीं हो रही। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। फिर वो माँ बाप को गाली देने लगता है, मैंने कहा अर्जुन गाली दे के बात नहीं करना। इस बात पे उसे इतना गुस्सा आता है कि फिर वो गंदी वो, मैं शब्दों में मैं बता नहीं पाऊँगी, मतलब क्या गाली उसने मुझे दी। फिर मैं, मुझे पता है वो कितना साइको आदमी, मार पिटाई करता है, इसलिए मैं थोड़ा घर के बाहर की तरफ चल दी, घर के उधर की वे अंदर चिल्ला उल्ला के चुप हो जाएगा, तो मैं घर के बाहर चली, गेट में मारा, कैसे मारा मुझे खुद समझ में नहीं आया, मेरी उंगली टूट के अलग हो गई, अलग गिर गई बिल्कुल। तो फिर मैं चिल्लाई, फिर वो सामने ऑफिसर थे, फिर वो डर गया, फिर सामने एक ऑफिसर थे, ये लोग मुझे लेके आए हॉस्पिटल एमएच में। अब मुझे पता नहीं, मुझे तो अपनी उंगली दिखाई दे रही थी कि उंगली जुड़वा रही है, फिर ये मुझे सिविल में ले गए वहाँ से निकाल के, वहाँ अच्छा सर्जन है, इनको पता होगा कि तुम सिविल में ले जाओगे जैसे भी है, मुझे तो बस अपनी उंगली दिखाई दे रही थी। परसों भी इसने मुझे लात घूसे मार मार के पिटाई करी, बदतमीज़ी करी। मैंने इसके चाचा को भी, अभी मेरी उंगली कटी हुई रखी थी, हम इससे जब निकले, इसने अपने चाचा रे इनके बाबा जी हैं उनको बुला लिया, जो कहते पति तो परमेश्वर होता है, क्या हो गया तुझे थप्पड़ मारने को, कह दिया क्या हो गया तुझे पीट लिया, पति तो परमेश्वर होता है। इसकी माँ को मैंने परसों फ़ोन किया, इसने लात मारी, वो कहती है कि ऐसा क्या कर दिया तूने कि उसे लात मारनी पड़ी, उसे बताओ गाली देता है, वही पूरा टाइम सिखाती रहती है, तूने ऐसा क्या कर दिया कि उसे तुझे गाली देनी पड़ गई। फिर आज भी अगर उसको फ़ोन कहती वो यही बोलेगी कि तूने क्या कर दिया कि उसे तेरी उंगली काटनी, मतलब इनका सब सीधा सिंपल यही है, सीधा अपने मुंह से कहती है, इसे तो मैं निकाल के रहूँगी। अब बताओ, अब अगर मैं उसके पास गई, वो जान से मार नहीं बचा है, अगर हाथ की जगह पे सिर पे, क्योंकि
पता है मुझे तो होश नहीं था, पापा ही क्या कर रहे हैं, लिखी नहीं उन्होंने, शायद मेडिकल मांग रहे हैं। अब देखो जिस तरह से अगर कटी हुई उंगली लेके सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं, मुझे तो पहले अपना कटा हुआ हाथ दिख रहा था ना, सुबह से मैं चीख चीख के रोए जा रही हूँ, और अभी तो मुझे वो एनेस्थीजिया दिया था तो उसका अभी ठीक से असर निकला नहीं है, तो उसका असर हो रहा है, उन्होंने ऑपरेट करके इसको जोड़ा है, और उसको पता होगा शायद कि ऐसे सिविल में लेके जाएगा तो तेरे अगेंस्ट ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं, इसलिए वो मुझे चला किसी एमएस से निकाल के ले आया और मैं आ गई। वो तो मैंने किसी को फ़ोन मांग के पापा को कॉल कर दिया तो इन लोगों को पता चल गया, वरना मुझे फ़ोन भी नहीं करने दे रहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।